नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांता राजपुरोहित। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीकेआर किचन में। तो हाजिर हूं नई रेसिपी के साथ। आइए आज बनाते हैं सर्दियों का स्पेशल गाजर का हलवा, और स्पेशल तरीके से कम समय में और कम सामग्री में शानदार दानेदार हलवा बना के हम तैयार करेंगे। वैसे हमें गाजर का हलवा बनाने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन आज मैं आधे घंटे में बहुत ही टेस्टी हलवा बना के आपको दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आने वाले नए वीडियोस के। तो आइए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो ये देखिए, 1 किलो गाजर थी जिसको हमने ऊपर से छील कर अच्छे तरीके से उसको धोकर और इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। तो गाजर को अच्छे तरीके से धोना और छीलना बहुत जरूरी है, वरना फिर हलवे में जो है मिट्टी जो आएगी, किरकिर आएगी आपके मुंह में। तो ये ग्रेट हमने गाजर को कर लिया था। अब हमने एक कढ़ाई ली है थोड़ी बड़ी सी, और लोहे की कढ़ाई में अगर आप बनाएंगे हलवा तो वो बहुत टेस्टी बनता है। तो इसमें हमने डाल दिया है लगभग ये 3 से 4 चम्मच देसी घी। घी हमारा मेल्ट हो गया है, तो उसमें हम डाल देंगे ये ग्रेट की हुई गाजर, और 10 मिनट हम इसको लगातार चलाते हुए घी में भुनेंगे। तो गाजर की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और कलर जो है गाजर का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो 10 मिनट लगातार चलाते हुए पका लेते हैं, थोड़ा भुन लेते हैं इसको। तो इस हलवे को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, और सामग्री भी बिल्कुल हम कम डालेंगे। ना ही तो मावे का यूज करेंगे हम, ना ही इसमें हम दूध डालेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना ही हम इसमें कोई मिल्क पाउडर डालेंगे। बस केवल इसमें हम ताजे दूध की जो मलाई होती है उस मलाई का यूज करके शानदार हलवा बनाएंगे। तो मलाई से ही जो है दूध का, मावे का और घी का, तीनों का ही इसमें फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट हमने घी में लगातार चलाते हुए गाजर को भून लिया है, क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है, और देखिए गाजर का जो कलर है वो बिल्कुल लाइट हो गया है और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है हमारी गाजर। ये देखिए, इस तरीके से अगर एक बार आपने हलवा बना लिया तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। इतनी आसानी से परफेक्ट हलवा बनके तैयार होता है। तो ये देखिए, अब हम डाल देंगे इसमें ये 1 कप के लगभग ये दूध की मलाई है। फ्रेश दूध के ऊपर जो मलाई आती है वही मैंने ली है। थोड़ा सा उसको चम्मच से मैंने ब्लाइंड कर लिया, इसलिए ये क्रीम की तरह थोड़ी सी पतली हो गई है। चम्मच से उसको मैंने थोड़ा मैश कर लिया था। तो ये 1 कप मलाई मैं इसमें डाल दूंगी। लगभग ये 1 किलो गाजर है तो ये 250 ग्राम के करीब मलाई है। तो इसी से ही जो है दूध का, मावे का और घी का, तीनों का इसमें टेस्ट आ जाएगा, तीनों का ही काम हो जाएगा। तो ये मलाई को अच्छे से इसमें हम मिक्स करेंगे। तो देखिए मलाई बिल्कुल मेल्ट होके एक बार दूध की तरह हो जाएगी, और 10 मिनट में ही जो है ये मलाई बिल्कुल इसमें ड्राई हो जाएगी, और इसमें बिल्कुल जो मावे वाला है वो टेक्स्चर आ जाएगा। और इसकी जगह अगर हम दूध डालते तो हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको पकाना पड़ता लगातार चलाते हुए, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 मिनट में ही जो ये मलाई है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। बस लगातार आपको चलाते रहना है तो इसमें बिल्कुल जो मावे वाला टेक्सचर है और टेस्ट है वो आ जाएगा। बस इसको लगातार आपको चलाते रहना है। हलवा अगर थोड़ा भी चिपक जाएगा तो फिर सारा जो उसका टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो एक बार रेसिपी को इस तरीके से बना के जरूर देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो ये देखिए, मलाई बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम चीनी। तो 1 किलोग्राम गाजर के अंदर मैंने ये 200 ग्राम चीनी डाली है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो थोड़ा सा आप इसमें 20-30 ग्राम चीनी को कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें बिल्कुल बराबर है। तो अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे, और एक बार जो चीनी है उससे पानी रिलीज हो जाएगा तो उसको हम लगातार चलाते हुए हमें हलवे को ड्राई करना है। तो अगर आप बिना कद्दूकस किए हुए गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं तो वो भी मैंने अपने चैनल पर रेसिपी अपलोड की हुई है। अगर आप लोगों को गाजर का हलवा तो पसंद है लेकिन आप उसको ग्रेट करना नहीं चाहते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो गाजर को हम
बिना कद्दूकस किए भी बहुत ही शानदार और परफेक्ट दानेदार हलवा बना सकते हैं। तो एक बार जाके रेसिपी को चेक जरूर करें। और भी कई तरीके से अगर आप गाजर का हलवा बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं रेसिपी को जरूर शेयर करूंगी। तो बस लगातार चलाते रहें और हलवे को ड्राई होने देंगे हम। तो ये देखिए, लगभग ये काफी हद तक हलवा हमारा ड्राई हो गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें काजू बादाम और आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो ये हमने बारीक कटे हुए काजू बादाम डाल दिए हैं ताकि ये भी थोड़े इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये हमने किशमिश डाल दी है। तो इस हलवे में जो है किशमिश का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में आप डाल सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे तो ये ड्राई फ्रूट भी इसके साथ में थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखा कितना परफेक्ट आज हमने ये बिना दूध के भी हलवा बना के तैयार किया है। तो बिना दूध के भी हलवा बनाया जा सकता है और बिल्कुल शानदार और एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। तो जब कभी आपको गाजर का हलवा खाना हो लेकिन मेहनत बहुत ही कम करनी हो तो इस तरीके से जरूर आप बनाकर देखें। तो ये देखिए हलवा बिल्कुल हमारा ड्राई हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो इलायची आप इसमें जरूर डालें, इलायची से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये हमने 7-8 इलायची को दरदरा कूट लिया था और इसको हम लास्ट में मिक्स करेंगे। लास्ट में मिक्स करने से जो इलायची का खुशबू और टेस्ट है वो बना रहता है। तो इसको अच्छे तरीके से इलायची को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार है हमारा कम सामग्री और कम समय में बनने वाला शानदार दानेदार गाजर का हलवा। तो लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे जो नए वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, उनका नोटिफिकेशन। तो मेरी वीडियोस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि कम समय में कम सामग्री में बनने वाली रेसिपीज मैं आप तक पहुंचाऊं। तो ये देखिए हल्का सा ठंडा होने के बाद में हम इसको सर्व कर देते हैं। तो एकदम परफेक्ट बना है ये, एकदम दानेदार। एक बार खाएंगे तो बिल्कुल सारे तरीके भूल जाएंगे आप और इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और इतना फटाफट बनेगा कि आपको लगेगा कि जैसे कोई जादू ही हुआ है, इतना फटाफट कैसे बन सकता है गाजर का हलवा, और वो भी इतना परफेक्ट और टेस्टी। जिसे भी खिलाएंगे वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाएंगे कि आधे घंटे में आपने बना लिया है। तो अपना फीडबैक जरूर दें। तो मैं इसी तरीके के नए वीडियो के साथ आती रहूंगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।